नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू में अभी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और पूरी पूरी उम्मीद है कि कुशवाहा, या माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद का जिम्मा भी संभालेंगे। तो अब कुशवाहा ने कहीं ना कहीं कमान संभाल लिया है। इधर आरसीपी सिंह दिल्ली गए, इधर कुशवाहा ने पटना में कमान संभाल ली है। पटना में अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया है वो यात्रा करेंगे, जदयू को नंबर वन बनाने के लिए अब वो यात्रा पर निकलेंगे। और इसका ऐलान उन्होंने किया है, कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है कि 10 जुलाई से पश्चिम चंपारण से बिहार भ्रमण का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। यानी पश्चिम चंपारण की धरती, जो कभी आंदोलनों की धरती रही है, महात्मा गांधी के कर्म भूमि रही है, वहां से कुशवाहा अब अपने पार्टी को नंबर वन बनाने के लिए, फिर से नंबर वन बनाने के लिए शुरुआत करने वाले हैं, यात्रा निकालने वाले हैं। तो पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। उपेंद्र कुशवाहा बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जहां केंद्र में अब आरसीपी सिंह की उम्मीदें लग रही है कि वो मंत्री बनेंगे, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के हाथों में होगा, ये चर्चा है। और अब कुशवाहा ने अभी से अपनी जो जवाबदेही तय करनी शुरू कर दी है कि क्या कुछ करना है, पार्टी को कैसे नंबर वन बनाना है। और उन्होंने जो ट्वीट करके बताया है, हम आपको बताएं, उन्होंने लिखा है कि पार्टी द्वारा प्रदेश भर में मेरा जिलावार दौरा एवं प्रवास का कार्यक्रम लगाया गया है। इसके अनुसार मैं 10 जुलाई 2021 से पश्चिम चंपारण से यात्रा का प्रारंभ करूंगा। एक और ट्वीट उन्होंने किया है, उसमें वो लिख रहे हैं, जिलावार दौरा और प्रवास के कार्यक्रम में कोरोना, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आमजनों को राहत पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में जदयू कार्यकर्ताओं की अधिकाधिक भूमिका सुनिश्चित करने पर भी विमर्श होगा। तो अब कुशवाहा ने अपनी प्लानिंग तय कर ली है कि क्या कुछ करना है। भविष्य के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेंगे, लगभग तय माना जा सकता है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर ये बातें नहीं है, लेकिन कुशवाहा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और किसकी क्या जिम्मेवारी होगी जेडीयू के अंदर, ये भी तय कर दिया है। कुशवाहा यात्रा पर निकलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। उन्होंने जो कहा है कि बिहार में कोरोना, बाढ़ एवं जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए पार्टी की तरफ से, क्या किस तरह से जदयू की तरफ से लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो इसकी भूमिका भी तय की जाएगी पार्टी के अंदर। लोगों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं पर ये जिम्मेवारी, जवाबदेही होगी कि किस तरह से वो पार्टी को आगे ले जाएंगे और इन लोगों की मदद करेंगे। तो अब कुशवाहा ने कमर कस लिया है। आपको बताएं कि जिस तरह से कुशवाहा की वापसी हुई जेडीयू के अंदर, और वापसी के दिन ही नीतीश कुमार ने खुद ऐलान किया कि उन्हें पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कुशवाहा कितने खास हैं नीतीश कुमार के लिए जाना जा सकता है। हालांकि कुशवाहा बीच में नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और कुशवाहा ने अब कमर भी कस लिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसको नंबर वन बना के ही छोड़ेंगे। प्लानिंग तय हो गई है और यात्रा पर अब निकलने वाले हैं। जिस तरह से चिराग पासवान उधर यात्रा कर रहे हैं, अपने आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाना उनका लक्ष्य है, इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी जिम्मेवारी अपनी तय कर ली है, जवाबदेही तय कर ली है। और अब वो 10 तारीख से जो है यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।